स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीवीए के सेकंड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। और प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम आपको मोनोपोली पढ़ा रहे थे। हमारा मोनोपोली कंप्लीट हो गया था और फिर उसके बाद हमने आपको मोनोपोली कंपटीशन पढ़ाया। मतलब मोनोपोली अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो मोनोपोली होते हैं, है ना, जो जिन पर जैसे रेलवे, और दूसरे जो होते हैं जो मोनोपोली बनते जाते हैं। जैसे हमने आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दिए थे, गूगल एंड फेसबुक। गूगल एंड फेसबुक जब बना था, जब ये मोनोपोली था नहीं, लेकिन उसने अपने फीचर्स और अपनी क्वालिटी, उसने जितने भी अपने अपने ऐप्स, मतलब जितने आप कंज्यूमर को कंट्रोल किया हुआ है, तो है ना, उन्होंने अपने मोनोपोली बना लिए हैं। और फिर तीसरा आता है अपना मोनोपोली कॉम्पिटिशन। कंपटीशन क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर जो मतलब अलग अलग मोनोपोली होता है, लेकिन प्लस उनके बगल में कॉम्पिटिटर भी होते हैं, मतलब उनसे कंपटीशन। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर एक कोई सिंगल व्यक्ति है और वो दौड़ रहा है ना, तो अब वो सिंगल ही है, वो दौड़ता जाएगा, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर वो 10 मिनट में भी पहुंचता है तो भी वह जीतेगा, और वो आध घंटे में पहुंचेगा तो भी वो जीतेगा, तो उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, इसलिए वो मोनोपोली है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके कॉम्पिटिटर भी हैं, मोनोपोली हैं लेकिन कॉम्पिटिटर भी हैं। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कि जितने भी प्रोडक्ट हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए पेन, इस पेन से हम लिख रहे हैं, ये पेन भी मतलब इस जो कंपनी है, ये इसकी तो इसके जो कंपनी का जो मालिक है उसका तो इसके ऊपर मोनोपोली है, लेकिन अगर वो इसकी प्राइस बढ़ा देगा तो हम कोई और पेन खरीद लेंगे। बिकॉज इनका काम क्या होता है, लिखना। काम क्या होता है इनका, केवल लिखना, हम किसी और पेन से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी मोनोपोली कॉम्पिटिशन में, जैसे ये टूथपेस्ट हुआ, सोप हुआ, कोई भी चीज़, जैसे हमारे यहाँ टीवी है, फ्रिज है, तो ये सब चीज़ें हमारी मोनोपोली कंपटीशन में ही आती हैं। जैसे हमने टीवी ली सैमसंग की टीवी लेने के बाद, अगर सैमसंग की टीवी मुझे लेनी है और उसने अपने प्राइस बढ़ा दिए, तो हम सोनी की ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज उनका काम क्या है, टीवी चलना, और वो चल तो सोनी की भी रही है और सैमसंग की भी चाहिए। ऐसी पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, और कोलगेट है, जी टूथपेस्ट हैं। पेप्सोडेंट अगर अपनी प्राइस बढ़ाता है तो कंज्यूमर क्या करने लगते हैं, कोलगेट ले लेंगे और कुछ ले लेंगे, लेकिन वो जितनी आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, मतलब उसकी प्राइस आप एक लिमिटेशन में ही बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा मोनोपोली कॉम्पिटिशन होता है कि इसमें मोनोपोली तो होता है प्लस बगल में कॉम्पिटिशन होता है। सोप का भी बताया था कि हमारे घर में जितने लोग होंगे उनकी अलग अलग पसंद होगी, वो अलग अलग सोप लेना पसंद करेंगे। जैसे किसी को पैर्स पसंद है, किसी को लाइफ बॉय पसंद है, तो वो पैर्स और लाइफ बॉय उन्हें पसंद है ना, तो इसलिए वो उनकी मांग कर रहे हैं। वरना सोप का काम तो क्या होता है, साफ करना। लाइफ बॉय ले लेंगे तो उससे भी साफ होगी, डब ले लेंगे तो उससे भी साफ होगा। तो ये क्या होते हैं कि ये मोनोपोली होते हैं प्लस बगल में इसके कॉम्पिटिशन भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन, इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं हम, है ना। तो अपन पढ़ेंगे अपन फीचर्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन। फीचर्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है, तो इसके फीचर्स में सबसे पहला आता है अपना लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ये तो आपको पता है कि मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर, इसमें बहुत सारे सेलर होते हैं, अलग अलग जो ब्रांड होते हैं, अलग अलग ब्रांड की वस्तुओं को या प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म सेलिंग
क्लोजली रिलेटेड बट नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट. क्या होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट? मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म सेलिंग, मतलब इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ फर्म होती हैं, ये तो हमें पता है. इसके बाद जो क्लोजली रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरे प्रोडक्ट से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मतलब बेचती है कंपनी, है ना, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, है ना. जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, जैसे कॉलगेट हुआ और पेप्सोडेंट हुआ, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट तो है, इसीलिए तो ये बिक रहे हैं. कुछ ना कुछ तो इसमें डिफरेंट है, दोनों के फीचर्स अलग हैं और कलर अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों को डिफरेंट बनाती हैं एक दूसरे से. लेकिन काम दोनों का क्या होता है? टीथ साफ करना. काम क्या होता है दोनों का? टीथ साफ करना, माउथ साफ करना. तो अगर उसकी प्रोडक्ट जैसे कि क्लोजअप के प्राइस बढ़े तो लोग पेप्सोडेंट यूज़ करने लगेंगे, और अगर पेप्सोडेंट ने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो लोग क्लोजअप यूज़ करने लगेंगे. क्यों? बिकॉज इनका काम क्या होता है? काम इनका सेम ही होता है, टीथ साफ करना. तुम नहीं तो तुम, किसी ना किसी से तो मेरे टीथ साफ होंगे. तो ये होता है हमारा कि इसके बट नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं, इसलिए तो कॉम्पिटिशन है उन दोनों के बीच में. तो दोनों के क्या होते हैं? फीचर्स अलग होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है? इन इंडिविजुअल फर्म हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस. क्या होता है कि जो इंडिविजुअल फर्म होती हैं, मतलब जो मोनोपोली कंपटीशन में जो फर्म आती हैं, उनकी मतलब उनको प्राइस पर कंट्रोल कम होता है. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल तो होता है लेकिन कम कंट्रोल होता है, प्राइस पर लिमिटेड कंट्रोल होता है. दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स लीड्स टू कंपटीशन इन द मार्केट, है ना. तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब मोनोपोली कंपटीशन में प्राइस पर लिमिटेड कंट्रोल होता है, मतलब उसका प्राइस पर कंट्रोल तो होता है लेकिन लिमिटेड होता है. कैसा होता है? लिमिटेड होता है. लिमिटेड क्यों होता है? बिकॉज उसके और भी कॉम्पिटिटर होते हैं मार्केट में, उनके और भी कॉम्पिटिटर मार्केट में होते हैं. अगर उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा कर दिया तो उनके कॉम्पिटिटर कंज्यूमर के पास चले जाएंगे, मतलब जो उनके कॉम्पिटिटर हैं और उनके कंज्यूमर हैं तो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे. क्यों चले जाएंगे? क्योंकि आप अगर अपने मार्केट की या अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते हो तो बिकॉज जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, है ना, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो आपके कॉम्पिटिटर भी कर रहे हैं. जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, अगर आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपके बगल में कॉम्पिटिटर भी है, ये भी अपना वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है. उसके कुछ फीचर्स अलग हैं, फ्लेवर अलग हैं, प्राइस भी अलग हैं, लेकिन कर तो वो वही चीज़ रहा है ना, कर तो वो वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है. सपोज दैट आप सोप लेने गए और आपको किसी ने लक्स जो सोप आती है हमारी या डव सोप आती है उसके प्राइस बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए एकाएक एक साथ, तो आप क्या बोलोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैड्स ले लूँगी. बिकॉज इनका काम तो एक ही होता है, साफ करना. अगर ये डब वाले महंगा कर रहे हैं तो पेप्सोडेंट ये पैड्स ले लेंगे हम. तो ये होता है कि जो कंज्यूमर होते हैं उनके, जो कंज्यूमर अपने मतलब प्राइस जैसे ही बढ़ी तो प्राइस कॉम्पिटिटर के पास पहुंच गए. कंज्यूमर किसके पास पहुंच गए? कॉम्पिटिटर के पास. सपोज दैट मान लीजिए कि ये है हमारा कॉलगेट, दूसरा है हमारा पेप्सोडेंट. ये अपना जो 100 ग्राम वाला अपना पैक है वो मान लीजिए कि 55 रुपए में बेच रहा है ना, और ये बेच रहा है 50 रुपए में. अब ये दोनों मुझे पता नहीं है कितने में बेचता है, लेकिन अब मान लीजिए कि ये कॉलगेट है, ये कॉलगेट अपना जो 100 ग्राम वाला पैक है वो 55 रुपए में बेच रहा है, पेप्सोडेंट 50 रुपए में बेच रहा है ना. अब पेप्सोडेंट सोच रहा है कि कॉलगेट की प्राइस ज़्यादा है, फिर
फिर भी ये ज़्यादा सेल हो रहा है, इसके कंज्यूमर ज़्यादा हैं, हम भी अपने क्या करेंगे, हम भी अपने जो अपना हमारा पैक है, जो हमारा टूथपेस्ट है, हम भी इसकी प्राइस को बढ़ाएंगे, इसकी प्राइस हम इंक्रीज करेंगे, जो हमारे कंज्यूमर हैं वो तो कहीं नहीं जाएंगे। ये केवल सोच रहा है ऐसा, ये केवल सोच रहा है ऐसा कि जो हम अपनी प्राइस बढ़ाएंगे कोलगेट के अकॉर्डिंग, हम अपनी प्राइस को बढ़ाएंगे तो जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बढ़ाएंगे। तो सपोज कीजिए कि इसने अब ये इसने अपने प्राइस कितने कर दिए, 60, ये 55 पे भी नहीं रुका, इसने 60 कर दिए, डायरेक्ट क्या कर दिए, 60 कर दिए कि 60 में हम अपना बेचेंगे, लेकिन ये तो 50 ही है, ये 50 ही है। अब कंज्यूमर बोल रहे हैं कि आपने यहाँ 10 रुपये बढ़ा दिए, हम तो 10 रुपये नहीं देंगे, या आप 10 रुपये बढ़ाते तो कुछ इसमें कुछ अलग करती, फ्लेवर चेंज करती, या कुछ मतलब जो कुछ अलग करते, या कुछ फीचर्स अलग होते, या कुछ आप बढ़ा रहे होते तो हम 10 रुपये देते, लेकिन आप तो कुछ नहीं बढ़ा रहे, आप सेम प्रोडक्ट की मुझसे 60 रुपये मतलब 10 रुपये क्यों ले रहे हैं। कंज्यूमर क्या बोल रहे हैं कि पेप्सी ये ले रहे हैं, पर कंज्यूमर बोल रहे हैं कि ठीक है आपने 10 रुपये बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम तो कोलगेट यूज़ कर लेंगे, बिकॉज इन दोनों का काम तो सेम ही होता है ना, काम तो इन दोनों का सेम होता है, आप प्राइस बढ़ाओगे, हम कोलगेट यूज़ कर लेंगे। तो इसकी जो इनकी डिमांड थी वो केवल कितनी थी, 30 कंज्यूमर थे, है ना, 30 कंज्यूमर थे, उसमें से 10 तो यहाँ चले गए, अब इनके पास कितने बचे, 20, अभी इनके पास 20 कंज्यूमर बचे, है ना। तो वो 20 भी क्या, फिर भी वो ले रहे हैं, और धीमे धीमे इनके कंज्यूमर कहाँ जा रहे हैं, कोलगेट के पास। तो ये होता है कि अगर हम अपने एक अकॉर्डिंग टू मार्केट अगर प्राइस हमने इंक्रीज कर दी, तो जो हमारे कंज्यूमर हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, वो प्रोडक्ट वो वाला खरीदने लगे, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट से काम तो एक ही होना है, इसलिए वो हमारे जो कंज्यूमर हैं वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे कॉम्पिटिटर के पास। तो ये हमारा क्या है कि हमारा केवल ये एक पॉइंट था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर इसके फीचर्स में, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं।